मीरा रोड में तनाव के बीच अवैध दुकानों पर चढ़ा बुलडोजर। 22 जनवरी की रात श्रीराम की रैली पर पथराव की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन। नया नगर में दो समुदाय में झड़प के बाद लगातार उठ रही थी बुलडोजर कार्रवाई की मांग। मीरा रोड की सड़क पर आज दौड़ती दिखी बुलडोजर। सैकड़ों पुलिसकर्मी के साथ झड़प वाली जगह पर भी हुई बुलडोजर कार्रवाई। मीरा रोड और आसपास के इलाकों में दंगा नियंत्रण जवान और रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी। 4 शहर की पुलिस अभी भी अलर्ट पर। अगर 2 दिन में पुलिस इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो 25 जनवरी को मीरा भाईंदर शहर बंद का आह्वान करेंगे विधायक प्रताप सरनाई की चेतावनी। धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रहा है लाखों मराठाओं के साथ मनोज जरांगे का काफिला। 26 जनवरी को मुंबई में भगवा बादल गरजेगा। मोदी के नाम पर नहीं मिलेंगे वोट, इसीलिए भाजपा राम के नाम पर वोट मांग रही है। उद्धव ठाकरे का जोरदार हमला। शिवसेना तो खत्म हो गई, अब हमारे पीछे क्यों लगे हो, उद्धव ठाकरे का सवाल। लोकल ट्रेन की चपेट में आकर 3 रेलवे कर्मचारियों की मौत। सिग्नलिंग पॉइंट को ठीक कर रहे थे कर्मचारी। मुंबई को क्या यूपी समझ कर रखा है क्या। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद वीडियो वायरल। एक्शन में पुलिस, अबू शेख गिरफ्तार। मोदी सिर्फ 2 से डरते हैं, किसान और ठाकरे। नाशिक की महासभा पर राउत का तंज। हजारों की भीड़ के कारण राम मंदिर में एंट्री बंद। भीड़ भारी भीड़ से भगदड़ जैसे हालात। अगर शिवसेना नहीं होती तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा असंभव थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर राउत का बड़ा दावा। मुंबई वालों के लिए खुशखबरी, 400 किलोमीटर सड़कों को सीमेंटेड करने का टेंडर जल्द। जहां जाओ वहां रावण मिलेंगे, राउत ने प्रभु राम से की उद्धव की तुलना। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नदी में नाव पलटने से 2 महिलाओं की मौत, 4 लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। ईडी अफसरों का करीबी बता, बिल्डर को किया ब्लैकमेल, 164 करोड़ मांगे। फिर मुंबई पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के विस्तार को जल्द होगा रेलवे का मेगा ब्लॉक। मुंबई आने वाली रोज 70 ट्रेनें होंगी प्रभावित। मुंबई नागपुर की दूरी और होगी कम, इगतपुरी के पास 15 फरवरी तक खोल दिया जाएगा समृद्धि महामार्ग का पैच। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर 3 घंटे तक पुलिस ने किया इंतजार, फिर वाराणसी से आते ही अरेस्ट हुआ रेप का आरोपी। बॉम्बे जिमखाने के मैदान में बने टेंट से चोरी हुए मुंबई मैराथन के 2200 मेडल, 6 गिरफ्तार। रावण प्रवृत्ति वाले लोग राम को कैसे जानेंगे, बाल ठाकरे के जन्मदिन पर सीएम शिंदे का तंज। शिंदे सरकार के लिए नई टेंशन, नागपुर में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने शुरू किया जेल भरो आंदोलन। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला, भ्रष्ट अधिकारियों का सम्मान करते हैं लेकिन शंकराचार्य का नहीं। नासिक में उद्धव ठाकरे बरसे। बिहार के पूर्व मंत्री कपूरी ठाकुर को मिलेगा भारत रत्न, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। पिंपरी चिंचवड़ में गोदाम में लगी भीषण आग, अंदर सो रहे 2 भाइयों की जलकर मौत।